उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के बल तले 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रेवती नंदन डगवाल और जिला सचिव संजय नेगी के नेतृत्व में कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को शीघ्र बहाल करने, मिनिस्ट्रियल सवर्ग के पदों पर स्वीकृत क्षमता के अनुसार रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियों करने समेत 21 सूत्रीय लंबित मांगों पर संज्ञान न लिए जाने पर नाराजगी जताई। इस मौके पर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। और मैं आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि सरकार आज भी हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, हमारा एक दिन का धरना प्रदर्शन था, और इस धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार चेतती नहीं है और सरकार अगर नहीं जागती है तो हमारा प्रांत नेतृत्व के उस पर एक दिन का महारैली की जाएगी, और महारैली के बाद फिर हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी। आज की मांग नहीं है, इस मांग को हुई है और हमारी 21 सूत्री मांग है। इस संबंध में क्रांतिकारी भी बार बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्ष में बैठे भी कर लिए, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में अभी पहले काली फीति बांध का पुराना विरोध प्रदर्शन था, आज पूरे प्रदेश में पूरा मिनिस्टर कार्मिक रोड पर बैठक का एक दिवसीय धरना कार्यक्रम है। इसके उपरांत भी अगर सरकार द्वारा अगला कदम नहीं उठाया जाता है तो अगला 14 तारीख को पूरे प्रदेश में पूरी रैली निकाली जाएगी, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और क्रांतिकारी द्वारा सरकार की हमारी मांगों को लेकर चलते सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाए।